हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप फ़ोन लेना चाह रहे हैं और आपका बजट 20,000 है या उसके अंदर आप फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन 20,000 के रेंज में मिलेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करेंगे 5 ऐसे धमाकेदार फ़ोन्स की जो आपको 20,000 के अंदर मिलने वाले हैं, और इसमें आपको फीचर्स भी नेक्स्ट लेवल के मिलेंगे, चाहे बात की जाए प्रोसेसर की या कोई और कैमरा क्वालिटी की या बैटरी बैकअप की, सब इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाले हैं। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के थ्रू 5 धमाकेदार फोन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको प्रोसेसर से लेके कैमरा क्वालिटी और बैटरी बैकअप सभी आपको धमाकेदार मिलने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है दोस्तों। और मैं जितना भी फ़ोन आपको बताऊँगा सब एक से बढ़कर एक है, और सबका प्राइस रेंज 20,000 के अंदर है, और सभी में आपको 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। आप इसमें आराम से गेमिंग कर सकते हैं, और इसमें आपको कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी धमाकेदार देखने को मिलेगी, जिसमें आप अपने लाइफ के सभी मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, और आपको मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये 5 फ़ोन में से कोई एक फ़ोन ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि सभी फोन्स में आपको फीचर्स काफी धमाकेदार देखने को मिलने वाले हैं। और सब में आपको एक वीडियो मोड मिलेगा जो कि काफी बेहतरीन भी रहेगा, और कैमरा क्वालिटी तो धमाकेदार रहने ही वाली है, और सभी का आपको बैटरी स्टोरेज जो होता है वो भी काफ़ी धमाकेदार देखने को मिलेगा। और सभी में आपको 6GB से प्लस रैम मिलने वाले हैं, किसी किसी में आपको 6GB या किसी में 8GB मिलेगा। तो आइए बात करते हैं अपने पहले फ़ोन की, जो है वन प्लस की तरफ से वन प्लस नोट CE2 लाइट 5 की। अब बात कर लेते हैं इसे कुछ फीचर्स की, और इसके फीचर्स भी काफ़ी धमाकेदार है दोस्तों, जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। और इसका नाम है वन प्लस नोट CE2 लाइट 5G। 5G सपोर्टेबल है दोस्तों। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी धमाकेदार है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है, और काफ़ी पावरफुल फ़ोन है दोस्तों। और 2.2 GHz का इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, और इसका प्राइस तो आप जान ही रहे हैं, 19,999। और काफ़ी पावरफुल फ़ोन है दोस्तों ये, इसमें आप आराम से गेमिंग कर सकते हैं, और दो कलर वेरिएंट में आता है दोस्तों ये, एक ब्लैक डस्ट और एक ब्लू डस्ट में, और 5000mAh की एक धमाकेदार बैटरी है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। और क्विक चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आता है दोस्तों ये, और बात की जाए अगर कैमरा क्वालिटी की तो वो भी काफ़ी धमाकेदार है, 64MP का आपको इसमें कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपकी लाइफ की मोमेंट आराम से कैप्चर हो सकती है, और काफ़ी अच्छी फोटोज़ भी आती है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अल्ट्रा वाइड शॉट फीचर इसमें अवेलेबल है, डुअल व्यू वीडियो मोड भी इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, और 16MP का इसमें फ्रंट कैमरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी धमाकेदार फ़ोन है, इसमें फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। 3.5mm का हेडफोन जैक भी है इसमें अवेलेबल, और इसमें आप 1TB तक इसका स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं आराम से, और इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है।
इसमें आपको 8GB रैम मिल रहा है और 128GB स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलेगी, और 6.59 LCD इसमें आपको फुल स्क्रीन साइज मिलता है। इसके आप फीचर्स आप देख रहे हैं, मैंने आपको इसकी एक डीप रिव्यू भी बता दी है इस वीडियो के माध्यम से। और जो हमारा दूसरा फ़ोन है वो है iQOO की तरफ से Z5 5G, और इसका प्राइस 8,990 जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये भी 5G सपोर्ट के साथ आता है। और जिस कलर की हम बात कर रहे हैं वो है आर्कटिक डॉन, और इसका जो दो कलर वेरिएंट आप देख सकते हैं साइबर ग्रीन, और 8GB LPDRS रैम आपको इसमें मिलता है जो कि इसे और भी पावरफुल बनाता है दोस्तों। 128GB का इसमें आपको स्टोरेज मिलता है। और बात की जाए इसके फीचर्स की तो आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन है। 6.66 इंचेस का आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, और 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है दोस्तों। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें अवेलेबल है, और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिलता है जिसमें कि आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, और वहीं दो प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलते हैं। सुपर नाइट मोड का फीचर इसमें अवेलेबल है, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इससे आराम से कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है दोस्तों इसमें, और डुअल व्यू वीडियो मोड भी इसमें फीचर्स है अवेलेबल, और फ्रंट टच OS 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 इसमें आपको फीचर देखने को मिलता है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है जो कि आपकी गेमिंग को और भी बेहतरीन बनाएगी। लिक्विड कूलिंग इसमें एक फीचर्स आपको मिलता है, पाँच हज़ार एम एच की एक पावरफुल बैटरी भी आपको इसमें मिलती है, और 44 वाट का फ्लैश चार्ज, और कंपनी क्लेम करती है कि 50% आपका 23 मिनट में हो जाए। और अगर आप ये फ़ोन ख़रीदते हैं तो आपको उस बॉक्स में क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। और जितना भी मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ सब अमेजोन पे अवेलेबल है। और जो हमारा तीसरा फ़ोन है वो है गैलेक्सी M33 5G, और इसका प्राइस 18,499 जैसा कि आप देख सकते हैं। और बात की जाए अगर इसके फीचर्स की तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, आप आगे देख सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है दोस्तों। GHz का आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है जो इस फ़ोन को और भी बेहतरीन बनाती है और पावरफुल बनाती है। इसमें आपको पावरकूल टेक्नोलॉजी मिलती है, छः हज़ार एम एच की धमाकेदार बैटरी, और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग भी आपको इसमें मिलता है। और रिवर्स चार्जिंग का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों जो कि इसे और बेहतरीन बनाती है। और भी इसमें काफ़ी धमाकेदार फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे कि ऑटो डेटा स्विचिंग आपको इसमें एक फीचर मिलता है, और 6GB रैम और 8GB रैम दो वेरिएंट आता है, लेकिन अभी जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें आपको 6GB रैम मिलेगा, और इसका आप रैम आराम से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और इसमें आप आराम से काफ़ी बड़े बड़े गेम जैसे कि फ्री फायर और पबजी खेल सकते हैं। 6.6 इंच का आपको इसमें 100 फुल HD डिस्प्ले मिलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों।
क्वाड कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो है इसमें, वो इसे और खूबसूरत बनाता है। और 2 मेगापिक्सल का इसमें एक डेथ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा इसमें आपको मिलता है। और 8 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा है दोस्तों। और 5G सपोर्ट है, जिसमें आपको 12 बैंड इसमें आपको सपोर्ट भी मिलता है, जो इसे और पावरफुल बनाती है। एंड्रॉयड 12 इसमें है दोस्तों। और इसकी आप रैम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है दोस्तों इसमें, आप देख सकते हैं। फेस अनलॉक फीचर्स इसके देख रहे हैं। पावरफुल 5 nm प्रोसेसर है, 6000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने को मिलती है। रिवर्स चार्जिंग भी आपको इसमें देखने को मिलती है, जो कि इसे और पावरफुल बनाता है। और जो हमारा अगला फ़ोन है वो है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11T 5G, और इसका प्राइस है 19,999, और इसमें आपको 8 GB रैम और 128। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रेडमी नोट 11T 5G की फीचर्स की। रेडमी नोट जो सीरीज है दोस्तों वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है, जैसा कि आप जान ही सकते हैं, क्योंकि इसमें फीचर्स आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलते हैं। और ये भी फ़ोन कुछ उसी हिसाब का है। सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर मिलता है, जो कि इसे काफ़ी पावरफुल बनाता है। और इसमें आप मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हैं, चाहे बात की जाए गेमिंग की तो वो भी इसमें काफ़ी ज़बरदस्त आप खेल सकते हैं। और इसकी डिस्प्ले आप देख सकते हैं, 6.6 फुल HD डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है, जो इसे काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन बनाती है। और 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिलता है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाती है और पावरफुल भी। अगर बात की जाए कैमरा क्वालिटी की, तो 50 मेगापिक्सल का आपको इसमें डुअल कैमरा मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर इसमें अवेलेबल है दोस्तों। इसमें आपको नाइट मोड, प्रो कलर और कलर फोकस जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि इसे और बेहतरीन बनाते हैं। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें अवेलेबल है। और पाँच हजार mAh की धमाकेदार बैटरी भी है इसमें, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी इसमें अवेलेबल है। और 11 GB तक आप इसमें रैम बूस्ट कर सकते हैं, अगर आप इसमें गेमिंग भी करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर आपको काफ़ी धमाकेदार मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 128 GB का स्टोरेज इसमें है अवेलेबल। तीन कलर ऑप्शन में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्वेरियम ब्लू, स्टारडस्ट वाइट एंड मैट ब्लैक। पाँच हजार mAh की एक धमाकेदार बैटरी है इसमें दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो इसे काफ़ी पावरफुल बनाती है। और जो हमारा अगला फ़ोन है वो है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका प्राइस है 17,999, 6 GB रैम आपको इसमें मिलता है, और 128 GB स्टोरेज कैपेसिटी इसमें अवेलेबल है। बात की जाए अगर कुछ इसके फीचर्स की, तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी जिस कलर की हम बात कर रहे हैं वो है डार्क नेबुला, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, जो कि इसे काफ़ी पावरफुल बनाती है। तीन कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, 6 GB रैम इसमें आपको मिल रहा है, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, 512 GB आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं इसका स्टोरेज। डुअल सिम इसमें अवेलेबल है, सपोर्ट नैनो प्लस नैनो, जैसा कि आप देख सकते हैं। 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले, AMOLED डॉट डिस्प्ले भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाती है। इसमें फीचर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिलता है, जो इसे काफ़ी बेहतरीन बनाती है। 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा इसमें अवेलेबल है दोस्तों,
जो इसके कैमरा क्वालिटी को भी काफ़ी धमाकेदार बनाती है। सोलह मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें अवेलेबल है, यानी कैमरा क्वालिटी के हिसाब से भी काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है। इसकी आप डायमेंशन देख सकते हैं, 192 ग्राम का लाइट वेट फ़ोन है दोस्तों। 5020 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है। 33 वाट का टाइप सी फास्ट चार्जर इसमें अवेलेबल है। पावर एडेप्टर USB केबल आपको मिलेगा, सिम इजेक्ट टूल अगर आप फ़ोन लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा इसमें वो आप देख सकते हैं अभी। आप इसे ले, काफ़ी खूबसूरत और पावरफुल फ़ोन है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इन पांचों फ़ोन में से भी कोई अगर पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ जो मेरे द्वारा दिए गए नीचे लिंक है उसी से परचेस करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।